हाँ भी सही लग रहा है। कैसे हो? मैं तो बड़े मजे में हूँ यार। मतलब आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में क्या मजा आया। मतलब 2 दिन पूरा धमाल हो गया। और मैं देखो, मैं मेरे टीम की तारीफ करूंगा, उससे अच्छा व्हाई नॉट आस्क अदर फैंस। तो ये आरसीबी पंजाब किंग्स, तुम लोग का वो बताओ कैसे था तुम लोग का? बता देना, आपको भी जानना है ना? आपको जानना है, भी बताते हैं। दे रहे इसको, दे दे। मजा आया ना? बड़ा मजा आया, मजा आया। सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। अभी वैसे तू बताए, डीसी का छोड़, तेरा ऑप्शन कैसा था? हम लोग का तो मस्त था, बहुत मजा आया। वैसे तेरा कैसा था? अरे मेरा भी नहीं, मेरा मेरा ठीक ठाक गया रे वैसे। ठीक है, ये सब छोड़ो, अब ये सीजन भी आ रहा है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सबको शेयर करो, और हम लोग आज का वीडियो प्ले करते हैं। थे हम पंजाब किंग फैंस को कि हमारे पंजाब किंग्स को ऑक्शन ठीक से करने नहीं आता, हम लोग ओवर प्राइस प्लेयर्स को खरीदते हैं। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना, जान छुटी। 72 करोड़ का पर्स बचा था हमारे पास, और उस अमाउंट से हम लोग ने क्या तोड़ टीम बनाई है। आई नो केएल राहुल जाने का दुख तो है, बट शिखर धवन आने की खुशी तो अलग लेवल पर है। उसके साथ साथ जॉनी बेयरस्टो भी है, फिर लियाम लिविंगस्टोन है। मतलब हमें टॉप ऑर्डर का तो कोई टेंशन नहीं है। अरे टॉप ऑर्डर क्या, हमें तो हमारे बैटिंग ऑर्डर का ही टेंशन नहीं है। हाँ, बस खेलने चाहिए। क्या अब टीम में बड़े प्लेयर्स होना अलग बात है, पर उन बड़े प्लेयर्स को बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ बट करेंगे अच्छा परफॉर्म, स्टार प्लेयर जो है। ओके ओके ओके, मतलब तुम लोग मैक्सवेल की बात कुछ सीखे ही नहीं क्या? बॉलिंग में शमी, रबाडा, अर्शदीप, ब्रार। नहीं नहीं, क्या मतलब ब्रार का नाम सुन के तुम लोग ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? अरे वो रबाड़ और शमी से क्या कंपेयर कर रही है? हाँ बराबर है, पर ब्रार को ठंडे में मत लो। पिछले सीजन याद है ना, वो अकेले ब्रार ने पूरे आरसीबी बैटिंग ऑर्डर को ही उड़ा दिया था। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। सो वैसे अगर हम लोग देखे तो ये सीजन हम लोग को अच्छा परफॉर्म करने के लिए सब कुछ है। अच्छे बैट्समैन है, बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स है, फील्डर्स है, उतना ही नहीं तो यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों है। तो तू ये कह रही है कि पंजाब किंग्स के पास फिलहाल सब कुछ है? हाँ सब कुछ है, ट्रॉफी भी। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल देखिए जी अनुसार, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। देखो ट्रॉफी नहीं है तो क्या हुआ यार, इट्स अ स्पोर्ट। हम लोग जब भी खेलते हैं ना तभी दिल से खेलते हैं, और पिछले 2-3 सीजन में आप सब लोगों ने हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते हुए तो देखा ही है। ट्रॉफी के साथ साथ केएल राहुल के ऑरेंज कैप को भी कंपटीशन दे देंगे हम। धवन जो है हमारे पास, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? और क्या है ना, अगर पंजाब किंग्स भी ट्रॉफी जीत जाएगी तो अकेले अकेले लगेगा ना डीसी और आरसीबी को। ए चल चल, ज्यादा उड़ मत, हम लोग ये साल पक्का ट्रॉफी जीतेंगे, ई साल कप नम दे। और देखो पंजाब, तू जा, नहीं तू जा, मेरा टर्न है अभी, तू जा, नहीं तू जा जा जा। क्यों मजाक समझ के रखा है क्या हमें? हाँ देखो अब तो कोहली कैप्टन भी नहीं है यार, इसका मतलब ट्रॉफी पक्की ना। ए तू इधर आ, मैं वाला रास्ता भूल गई। ए ए सुन सुन इधर बेटे, बात सुन, कोहली के पीछे। अरे इसका मतलब विराट कोहली की बैटिंग डबल खतरनाक हो गई है। उसकी बैटिंग खतरनाक तो हो गई है खुद की टीम के लिए। कुछ भी सी, आई अंडरस्टैंड कि विराट कोहली के फॉर्म का कंसर्न है, पर बंदे ने स्टैंडर्ड ही ऐसे सेट कर दिए कि 95 पर आउट हो जाता है, 96 पर आउट हो जाता है, 99 पर आउट हो जाता है। अरे सेंचुरी से कम तो गाली कर रहा था। सुन ना, फर्स्ट इनिंग्स का टोटल क्या हुआ? 250 यार। तो कोहली की 75 सेंचुरी हो गई? नहीं, जस्ट मिस किया, 91 पे आउट हुआ। 91 पे? हाँ। शाह। मतलब आउट ऑफ फॉर्म यार वो आजकल। कोई सेंस है इस बात की? अरे मतलब 100 रन नहीं मार रहा है पर 50s में तो है ना। मतलब तुम्हारे वो फेवरेट प्लेयर्स के मर मर के 30-40 रन बन जाते हैं तो तुम लोग नाचने लगते हो, और यहाँ विराट कोहली ने 50 मारने के बाद भी उसको आउट ऑफ फॉर्म बुलाते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आई लाइक हाउ हमने कैसे आरसीबी की बात करते करते सिर्फ विराट कोहली की बात की है, क्योंकि आरसीबी इज नथिंग विदाउट विराट कोहली। जब आईपीएल जीतेंगे ना तब कैप्टन कोई भी हो, सबसे पहले ट्रॉफी विराट कोहली के हाथ में देंगे। वो क्या है ना, हम आरसीबी फैंस हैं। जब विराट कोहली की बात करें तो मेरे बाप समान है वो,
पांच साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा भी टीम है। थैंक गॉड। नहीं तो वो 2016 की तरह हो जाएगा। मैक्सवेल, फैफ, हर्षल, सिराज, हसरंगा। हाउ एनीवे सिराज हसरंगा। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन सा गाना साफ सुनाई दे रहा है? ये गुरु घंटाल आदमी है। अरे चलो मान लिया 10 करोड़ ज्यादा हो गया, पर है तो अच्छा प्लेयर ना। आई डोंट नो। अरे आरसीबी की बात करेंगे और उसमें एबी डिविलियर्स की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एबी डिविलियर्स को हम आरसीबी फैंस जरूर मिस करेंगे, बट दैट्स फाइन, उसका रिटेंशन हमने किया है। अब आप पूछोगे किधर? इधर। तो आपको तो पता ही है क्या करना, तो फटाफट जाना, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टीम होने वाली है ना वो भी बता देना। एक टीम की तो हिंट दे ही दी है हम लोग ने। सेकंड टीम कौन सी होगी आप लोग कमेंट करके बताओ। इट कैन बी एनीवन, मतलब हैदराबाद कौन बोला आप लोग कमेंट करके बता दो कौन सी होगी। हम लोग को तो नहीं पता। और आप लोग ना फटाफट जाओ स्पोर्ट्स हाउस ऐप डाउनलोड करो, लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उधर हम लोग का पेज है कुकी वे, उधर जाओ और फॉलो करो। बाय बाय।